देखिए ये नेक्स्ट पार्ट है, हम कर रहे हैं एमसीक्यू, इंडिविजुअल को डील कैसे करना है किसी भी एमसीक्यू टेस्ट में विद स्पेशल रेफरेंस टू यूजीसी नेट। तो मैंने एग्जांपल भी वहीं से उठाई हैं कि यूजीसी नेट के एग्जाम से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उसमें कम से कम 20-25 इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मीन एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपको 20-25 आंसर बीच में से मिलेंगे। दो रूल कर लिए थे हमने। सेकेंड रूल की स्ट्रेटजीज बहुत थी कि स्टेम को कैसे समझना है, वो कर चुके हैं हम पीछे, उनको साथ साथ अब अप्लाई करेंगे, उनको छोड़ नहीं देना, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच किसे बोलते हैं, उनको साथ में लेके चलना है। वो तो आपने समझना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे अब मैं डेमो दूंगा साथ साथ में बताऊंगा। रूल नंबर 3 हमारे पास आ है, लुक फॉर वर्ड लाइक नॉट एंड एक्सेप्ट। जब स्टेम को रीड करते हो, ठीक, स्टेम को रीड करते हो आपने फोकस करना है, अंडरलाइनिंग पेन आपके पास है। अच्छा, और स्ट्रेटजी बताता हूं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन ले लेता हूं व्हाइट वाला, या चलो ये वाला ले लेता हूँ, ये ब्लैक, सॉरी ये डार्क है, वो डार्क है, इसमें लाइट सा लेता हूँ। लाइट कौन सा है मेरे पास, यहाँ वाइट ही है, चलो वाइट ये वाला ले लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, ये थिंक अलाउड टेक्निक है। अगर आप तैयारी करते समय थिंक अलाउड यूज करते हो तो आपको फीडबैक मिलेगी। अगर दूसरा शख्स एक्सपर्ट आपके नज़दीक है, उससे भी आप एवेल्युएट कराना चाहते हो, तो उसको ये पता चलेगा आपकी थिंकिंग कहाँ रॉन्ग है, आपके मिसकंसेप्शंस कहाँ हैं, उसको करेक्ट कर लो, रिस्पॉन्स खुद ठीक हो जाएगा। हमारी सारी एनर्जी कहां लगी हुई है, हम क्यों हार रहे हैं, हम रिस्पांस को ठीक करने में लगे हुए हैं, रिस्पांस ठीक खुद ब खुद हो जाएगा। दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी सोच है, नहीं प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है। प्रोसेस मीन थिंकिंग को करेक्ट करना है, रीजनिंग को करेक्ट करना है। रीजनिंग को करेक्ट कर लिया तो आप खुद ब खुद रिस्पॉन्स एमसीक्यू का भी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जिंदगी है, आप अपनी सोच को, आप गीता भगवद गीता में भी पढ़ते हो, सोच से शुरू होकर करैक्टर तक पहुंचते हो। आप किसी धर्म को पढ़ लो, सोच को, रीजनिंग को आपने सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है, जिंदगी में भी अप्लाई करना है। सॉरी, ये हम पढ़ने लगे हैं, देखना मुझे क्या है। विच ऑफ द, मैंने इसको जल्दी 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 से निकाल दिया क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग मेरे लिए कोई इसका मीनिंग ही नहीं है। स्टेटमेंट इज नॉट भाई, नॉट देखिए नॉट, अच्छा सर्कल वहां आप नहीं लगा सकते, आप फिंगर से कर रहे हो। नॉट अपने अपने माइंड को 3-4 बार बोलो भाई ये क्वेश्चन नॉट वाला है, यस वाला नहीं है, नॉट वाला है। 2-3 बार सिर्फ नॉट को ही रिपीट करना है ना माइंड ने, वो अगले 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, जब तक आप इसको सॉल्व कर रहे हो पकड़ के रखना है। ठीक, नॉट ट्रू, ट्रू भी है साथ में, ठीक है, नॉट फॉल्स आ गया तो फिर मीनिंग चेंज हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन बहुत ज्यादा करना, इतना ज्यादा। दो री रीडिंग बोला था इसको, तो बेशक 4 बार बोलो नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू, ठीक है, अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी यहां पर धोखा देती है आपको। ठीक, एक वो हो गया। फ्रॉम रिलायबिलिटी, मैंने रिलायबिलिटी पर फोकस करना है। जब रिलायबिलिटी पर फोकस किया, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी से सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी में आ गई, जहां फ्रॉइड के उसके अनुसार सबकॉन्शियस माइंड से मेरे कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन आ गई। सबकॉन्शियस को प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं, प्री कॉन्शियस को स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक, तो वो आनी शुरू होगी जब आपने रिलायबिलिटी क्या होती है, अच्छा वो देखिए रिलायबिलिटी वो इंटरनल कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर। जब एक टेस्ट लगाते हैं दूसरा, फिर उसी टेस्ट को फिर दूसरी सैंपल पर लगाते हैं, देखते हैं कि दोनों का कितना सेम आया, जहां टेस्ट रीटेस्ट भी है, हाँ उसी सैंपल का उसी से। ठीक है, ये बातें याद आ गई। ऑफ रिसर्च टूल, इतनी बात मैंने ये नहीं देखी, मैंने इतना सोच लिया कि रिलायबिलिटी का क्या क्या होता है। मेन एरिया मैंने एकदम याद कर लिए कि रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर, ये सेंट्रल आइडिया मैंने खुद निकाले हुए हैं। हर कंसेप्ट को, इवन एक इज्म को, एक थ्योरी को, प्याजे को, एक वर्ड कौन सा होगा, कोहलबर्ग के लिए एक वर्ड कौन सा होगा, ऐसे निचोड़ निकाले हुए हैं। लेकिन कोई लर्न ही नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूं। हाँ, तो ये रिलायबिलिटी, ठीक है, ये मैंने वर्ड याद रख लिए। एक मैंने एग्जांपल एकदम सामने ले आई कि टेस्ट रीटेस्ट होगी, आपने अभी देखा कैसे मैंने सोचा है। तो अब मैं इनको पढ़ूंगा,
कि कौन सी नॉट ट्रू है। रिलायबिलिटी इज फिक्स्ड फॉर गिवन टेस्टिंग टूल। अरे फिक्स कैसे होती यार, ये तो चेंज है, इवन सैंपल टू सैंपल भी वेरी करती है, और जो एक गिवन की जो फिक्स थोड़ी रहती है। टेस्ट रीटेस्ट से की है तो वो मान लो 7.7 आई है, तो दूसरे मेथड से की है तो वो 0.73 आ सकती है। नहीं, फिक्स नहीं है। इतना टाइम मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ कि ऐसे सोचना है, ठीक। इट इज कोरिलेशन ऑफ स्कोर ऑन द टेस्टिंग टूल इटसेल्फ। हाँ हाँ, वो तो उसी से है, उसी का संबंध है ना। जब इंटरनल कंसिस्टेंसी कह दिया कि आपस में हर आइटम, आइटम 1, 2, 3, 4, 5, इसका इसके साथ कोरिलेशन, 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 इसका, हाँ, इंटर आइटम कोरिलेशन पर बेस्ड है ना ये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिलायबिलिटी कैन हैव नेगेटिव वैल्यू। यार अपने आप से कभी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। दूसरों से नेगेटिव हो सकती है अपने। अभी अगर मैंने सारे आइटम्स बनाई हैं स्ट्रेस से रिलेटेड, या सारी मैथ्स अचीवमेंट से रिलेटेड, तो मैथ्स अपने आप से कोरिलेशन देखूंगा, नेगेटिव कैसे आएगा? नहीं, ये नहीं लगता। रिलायबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। हाँ, एक सैंपल लगाया 10th क्लास के बच्चों पर, तो 0.7 मान लीजिए, 0.7 लिख लूँ यहाँ, 0.73 आई है, और दूसरे पर लगाया तो 0.76 आ गई। सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि सैम्पलिंग एरर नहीं है, वो कितनी एरर भी होती है तो वेरी करेगी। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। अच्छा, इट इज अफेक्टेड बाय वेरिएंस ऑफ स्कोर। अच्छा, मैंने वो पढ़ा था कि ट्रू वेरिएंस माइनस शायद एरर वेरिएंस, में कदक पढ़ा है कहीं, और टोटल, मेरे ख्याल टोटल वेरिएंस ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो हो सकता है इनमें से मैंने जो रिकॉल इन्फॉर्मेशन की है वो थोड़ी बहुत ही कहीं गलत भी हो, ठीक। लेकिन मेरे को ये स्पष्ट हो गया यार, ये इनमें से नॉट ट्रू बोलना है, मतलब फाल्स निकालना है। रिलायबिलिटी इज फिक्स्ड फॉर गिवन ऑफ टेस्टिंग। यार गलत। इट इज कोरिलेशन ऑफ टेस्टिंग टूल इटसेल्फ। बिल्कुल ये ठीक है। रिलायबिलिटी कैन नेगेटिव, ये भी गलत है। वेरी फ्रॉम, ये ठीक है। ये भी ठीक है। दो गलत मिले भी मुझे। रिलायबिलिटी फिक्स्ड है और मुझे मिली कि रिलायबिलिटी कैन हैव नेगेटिव वैल्यू। तो ऐसे आप थिंक कर सकते हो, फोकस किस पर, इस पर रखा, साथ में पिछली वाली स्ट्रेटजीज भी आपको करके बताई हैं। नेक्स्ट है, सेम एग्जांपल दे रहा हूँ इसी को डेमोस्ट्रेट करने की। पेन चूज करने लगा हूँ, मैंने कलर कर लिया, चलो वाइट कर लेता हूँ इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर हिस्टोरिकल पास्ट। अच्छा, मैंने जो हिस्टोरिकल की एग्जांपल थी वो एकदम रिकॉल कर दी, ठीक है। हिस्टोरिकल फॉर एग्जांपल, मैं किसी 50 साल पहले किसी शख्स को मिला हूँ, उससे कोई बुक भी मिल गई है, उसको एनालाइज कर रहा हूँ, उसकी इंटरव्यू कर रहा हूँ, उससे कोई और एविडेंस मिले हैं, उनको कलेक्ट किया है, उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, भाई ये सच्चे हैं, ये उसी पीरियड के हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या मिलता है। मोस्टली बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव। हाँ, कोई स्कोर थोड़ी है, मैथमेटिकल अचीवमेंट थोड़ी, स्केल थोड़ी लगा रहा हूँ, इन्वेंट्री थोड़ी लगा रहा हूँ, वो क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। मेजरमेंट वहाँ होती है, यहाँ असेसमेंट होती है। हाँ, ये क्वालिटेटिव है भी, बिल्कुल ठीक है भी, ठीक है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अच्छा, टेस्टिंग हाइपोथेसिस कहाँ होता है? जहाँ स्कोर आएगा, मतलब कि न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव अगर होगी, नंबर्स होंगे मेरे पास, तभी हाइपोथेसिस टेस्ट होगा। यार जहाँ नंबर आपके पास नहीं है, इंटरवल स्केल पर, रेशियो स्केल पर, हाँ, इवन ऑर्डिनल पर, तो आप हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका क्वालिटेटिव ज़्यादा होता है? नहीं यार, ये नहीं हो सकते। ये टेस्टिंग इंटेग्रल पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। फाइंडिंग्स कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशन। मैं पंजाब के हिस्टोरिकल रिसर्च की फाइंडिंग तमिलनाडु में, इंग्लैंड में, राजस्थान में अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, ये तो कंटेक्सचुअल हो गई ना। फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर, नो, गलत है भी। डाटा आर एग्जामिन्ड फॉर वैलिडिटी। हाँ,
किसी भी टेस्ट में, ये तो यार कोई भी वो हो, इन्फॉर्मेशन तो ट्रू ऑथेंटिक सच्ची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ना, तो जो सोर्स मुझे मिला है वो भी देखूंगा ऑथेंटिक है, जैसे सच्चा है, ट्रू है, ट्रूथफुलनेस है, डाटा आर एग्जामिन फॉर, हाँ बिल्कुल किया जाता है, मैं ठीक करता हूँ इसको, कंटेंट एनालिसिस इज यूज फॉर डाटा एनालिसिस। देखिए हाँ, कंटेंट एनालिसिस तो होगा ना, क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें कंटेंट एनालिसिस तो मेन है, एनालिसिस की टेक्निक है, तो जहाँ क्वांटिटेटिव है, नंबर है, वहाँ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, तो कंटेंट एनालिसिस ये बिल्कुल ठीक है भी। तो ऐसे मैंने ये देख लीजिए, जब मैंने जो जो सोचा है वो आपके लिए हिस्टोरिकल रिसर्च के क्वेश्चन को सॉल्व करने की इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, तो ये ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हो कि जो जो मैंने सोचा है, हो सकता है मैंने भी इन्फॉर्मेशन गलत दी हो, देखिए मैं गलती कर सकता हूँ, मुझे परफेक्ट मत लीजिए, तो पर आपको गलती अगर पता चल जाती है तो वो एक बहुत पॉजिटिव है, राइट आंसर से बेटर है कि गलती पहले पता चल गई है आपको। चलो इतनी एग्जाम्पल नहीं दी जाएगी। अच्छा, रूल नंबर 4,